अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है दुसर हुसैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर फॉस्टर्स प्ले के एक्ट 3 के सीन 2 और 3 को, यानी सीन 2 और 3 को इकट्ठा डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्ट 3 का सीन 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि डॉक्टर फॉस्टर्स जो होता है वो एक पॉप के पास जाता है और उसको तंग करता है। तो आज के सीन में हम देखेंगे कि डॉक्टर फॉस्टर्स के जो मतलब सर्वेंट होते हैं, मतलब डॉक्टर फॉस्टर का जो सर्वेंट वैगनर होता है, उसके आगे जो सर्वेंट होते हैं रॉबिन और रॉल्फ, बेसिकली वो डॉक्टर फॉस्टर्स के ही अंडर होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि रॉबिन जो होता है वो डॉक्टर फॉस्टर्स की जो किताब होती है जादू वाली, उसको चुरा लेता है और वो कहता है कि हम इसे जादू करेंगे। ये वो सीन 2 में होता है ये सब कुछ। और सीन 3 में वो एक शराब बेचने वाले के ऊपर जादू करते हैं और बाद में उनको उसकी सजा मिलती है। तो ये सब कुछ आज की वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एक्ट 3 का सीन 2। तो इसके अंदर है कि इंटर रॉबिन द ऑस्लर विद अ बुक इन हिज हैंड। रॉबिन आता है द ऑस्लर। ऑस्लर का मतलब है कि वो, ऑस्लर कहते हैं कि एक ऐसा बंदा जो घोड़ों की रखवाली करता है, यानी कि ये घोड़ों की रखवाली करता होता है, इसका काम होता है वहाँ पे। इसके हाथ में एक बुक होती है और ये आता है, रॉबिन कहता है कि ओ दिस इज़ एडमायरेबल, मतलब ये किताब बहुत कमाल की है, मतलब इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हेयर आई हैव स्टोलन वन ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स कंज्यूरिंग बुक्स, मतलब मैंने डॉक्टर फॉस्टर्स की जादू वाली किताबों में से एक किताब चुरा ली है। एंड आई हैव फेथ, और मेरा ये यकीन है कि आई मीन टू सर्च सम सर्कल्स फॉर माई ऑन यूज, और जहाँ तक मैं मतलब आई मीन का मतलब है कि मुझे ये उम्मीद है कि टू सर्च, यानी कि मुझे मिल जाएंगे वो वाले सर्कल्स जिनको मैं इस्तेमाल करके जादू कर सकता हूँ। नाउ विल आई मेक ऑल द मेडन्स इन आवर पैरिश डांस एट माई प्लेजर। मेडन कहते हैं खूबसूरत औरतें या लड़कियाँ। इन आवर पैरिश डांस, पैरिश है गिरजाघर, क्योंकि ये गिरजे के आसपास रहते होते हैं ना। तो वो कहता है कि अब क्या होगा कि जितनी भी खूबसूरत लड़कियां होंगी ना, उनको मैं क्या करूँगा कि मेरी मर्जी के मुताबिक वो क्या करेंगी कि मेरे सामने पैरिश डांस, यानी इस गिरजे में डांस करेंगी मेरे सामने मेरी मर्जी के मुताबिक। स्टार्क नेक्ड, स्टार्क कहते हैं पूरी तरह से, नेक्ड बिना कपड़ों के, मतलब वो बिना कपड़ों के मेरे सामने डांस करेंगी, बिफोर मी मेरे सामने। एंड सो बाय दैट मीन्स आई शैल सी मोर देन एवर आई फेल्ट और सॉ येट। और कहता है ये सब कुछ करके, यानी कि इस जादू से क्या करूंगा कि मैं लड़कियों को डांस करने पर, अपने सामने डांस करने पर मजबूर करूंगा, वो भी बिना कपड़ों के। और ऐसा करने से क्या होगा कि मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि मैं जो जादू से ये करने वाला हूं ना, वो इतना ज्यादा होगा कि वो आज तक ना ही मैंने फील किया होगा, ना ही मैंने मतलब देखा होगा। अच्छा, इंटर रॉल्फ कॉलिंग रॉबिन। अब रॉल्फ जो है, जो दूसरा सर्वेंट होता है, वो इसको बुलाता है, मतलब बुलाता हुआ सीन में इंटर होता है। कहता है रॉबिन प्रीदी, यानी कि रॉबिन प्रीदी, यानी प्लीज कम अवे, इधर आ जाओ, देयर इज अ जेंटलमैन टेरिस टू हैव हिज हॉर्स। टेरिस कहते हैं इंतजार करना। कहता है रॉबिन जल्दी से इधर आ जाओ, यहाँ पर एक आदमी है जो कि अपने घोड़े का इंतजार कर रहा है, मतलब वो घोड़ा देकर गया था अपना और अब वो उसको वापस लेने का इंतजार कर रहा है। एंड ही वुड हैव हिज थिंग्स रब्ड एंड मेड क्लीन, और उसके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको वो चाहता है कि हम उनको साफ करें। रब्ड का मतलब होता है रगड़ रगड़ के साफ करना। ही कीप्स सच अ चैफिंग विद माई मिस्ट्रेस अबाउट इट, यानी कि अब तुम उसे नहीं दिखाई देना, तो उसने क्या किया कि वो ना चैफिंग का मतलब होता है बुरी बातें करना या किसी को बुरा भला कहना। तो वो कहता है वो इस बारे में, यानी कि तुम अब उसे वहां पर नहीं मिले, उसको उसका घोड़ा नहीं मिल रहा, तो वो इस बारे में हमारी जो मिस्ट्रेस है, यानी फॉस्टर्स की जो बीवी है, उसको बुरा भला कह रहा है, मतलब उसको कह रहा है कि तुम्हारे नौकर ऐसे हैं, वो काम पे मतलब चीजें वापस नहीं करते, तो ऐसे बातें कर रहा है वो। एंड शी हैज सेंट मी टू लुक दी आउट, और हमारी जो मिस्ट्रेस यानी कि महारानी है, या आप समझ लें कि फॉस्टर्स की जो बीवी है, उसने मुझे भेजा है कि मैं तुम्हें लेकर आऊं। प्रीदी प्लीज कम अवे, मतलब मेहरबानी करके बाहर आ जाओ। रॉबिन कहता है कीप आउट, दूर हो जाओ और एल्स यू आर ब्लोन अप, दूर हो जाओ नहीं तो क्या होगा कि ब्लोन अप, यानी तुम लोग फट जाओगे। यू आर डिसमेंबर्ड, डिसमेंबर्ड का मतलब होता है जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं ना, अज़ा हैं, यानी हाथ हैं, पाँव हैं, मुंह है, कहता है ये सारे हिस्से ना तुम्हारे अलग-अलग हो जाएंगे। राल्फ यानी राल्फ, तुम्हारे सारे हिस्से अलग-अलग हो जाएंगे, तुम दूर हो जाओ, कीप आउट, दूर हो जाओ, फॉर आई एम अबाउट अ रोइंग पीस ऑफ वर्क। इस लाइन का मतलब है वो कहता है कि अब जो है ना, मैं एक धमाकेदार जादू करने वाला हूँ, एक तुम्हें ना करतब दिखाने वाला हूँ। राल्फ कहता है कम व्हाट डोस्ट डू विद दैट सेम बुक, मतलब कम
अरे जाने भी दो, मतलब तुम ये इस किताब के साथ क्या कर रहे हो, यही तो वही ये तो वही किताब है जो फॉस्टस के पास थी। सेम बुक का मतलब है कि वो जानता है कि ये किताब पहले फॉस्टस के पास थी, इसके पास मतलब ये मौजूद है, तो मतलब है इसने चोरी की है। दो कांस्ट नॉट रीड, मतलब वो कहता है कि तुम तो पढ़ भी नहीं सकते, तुम ये क्या किताब लेकर क्या करोगे। रॉबिन कहता है यस, हाँ माई मास्टर एंड मिस्ट्रेस शेल फाइंड दैट आई कैन रीड। कहता है बहुत जल्द मेरा जो मालिक है यानी फॉस्टस और मिस्ट्रेस यानी उसकी बीवी, इन दोनों को पता चल जाएगा कि मैं पढ़ सकता हूँ। ही फॉर हिज फॉरहेड का मतलब है कि मैं डॉक्टर फॉस्टस के माथे पर मतलब लिखा हुआ पढ़ सकता हूँ, मतलब उसका मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, ये कह रहा है। शी फॉर हर प्राइवेट स्टडी, यहाँ पे शी वो किसको कह रहा है, उस बुक को कह रहा है। कहता है ये जो बुक है ना, इसको मैं अपने जाती पढ़ने के लिए रख सकता हूँ, प्राइवेट स्टडी यानी कि मैं अकेला बैठ के उसको पढ़ने के लिए रख सकता हूँ। शी इज़ बॉर्न टू बियर विद मी, ये जो किताब है ना ये मेरे लिए ही पैदा हुई है, और एल्स माई आर्ट फेल्स, अगर ये मेरे पास ना रही तो मैं मतलब आर्ट फेल्स यानी कि मेरी जिंदगी का मकसद जो है ना वो बर्बाद हो जाएगा, ये वो यहाँ पे कह रहा है। उसके बाद राल्फ है, राल्फ कहता है व्हाई रॉबिन व्हाट बुक इज दिस। कहता है रॉबिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा क्या है इस किताब में, मतलब कौन सी किताब है ये। रॉबिन कहता है व्हाट बुक, क्या तुम्हें नहीं पता ये कौन सी किताब है, व्हाई तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। द मोस्ट इनटॉलरेबल बुक फॉर कंज्यूरिंग दैट एवर वॉज इन्वेंटेड बाय एनी ब्रिमस्टोन डेविल। इनटॉलरेबल का मतलब होता है नाकाबले बर्दाश्त, जो चीज़ बर्दाश्त के बाहर हो। कहता है ये जादू की ऐसी किताब है जो कि आज तक शायद ही, ब्रिमस्टोन कहते हैं जहन्नुमी, मतलब आज तक शायद ही जहन्नुम के किसी शैतान ने बनाई हो, और ये नाकाबले बर्दाश्त किताब है, यानी कि इसके अंदर जो जादू है ना वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, बहुत हाई लेवल का जादू है इसके अंदर। राल्फ कहता है कांस तो कंज्यूर विद इट, मतलब क्या तुम इससे जादू कर सकते हो, मतलब मुझे भी दिखाओ क्या जादू कर सकते हो। तो रॉबिन कहता है आई कैन डू ऑल दिस थिंग्स इजीली विद इट, मतलब इस किताब को इस्तेमाल करके मैं तमाम जो काम है ना वो आसानी से कर सकता हूँ अपने। पहले तो मैं ये करूँगा कि आई कैन मेक दी ड्रंक विद हिप्पोक्रेट्स एट एनी टेबल इन यूरोप फॉर नथिंग, दैट्स वन ऑफ माई कंज्यूरिंग वर्क्स। अच्छा, रॉबिन कहता है, पहले कहता है कि मैं ना इस किताब की मदद से कोई भी काम कर सकता हूँ, फिर कहता है पहले तो मैं ये काम करूँगा कि दी यानी तुम्हें, मतलब वो राल्फ को कह रहा है, पॉइंट आउट करके कह रहा है कि मैं तुम्हें क्या करूँगा कि ड्रंक, तुम्हें शराब पिलाऊंगा विद हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स एक वाइन का नाम होता है जो रेड कलर की वाइन होती है और जो टेस्ट में ना बहुत स्पाइसी होती है वो वाइन, तो उस वाइन का कह रहा है कि मैं ना तुम्हें वो वाली वाइन पिलाऊंगा एट एनी टेबल इन यूरोप, यूरोप के अंदर किसी भी टेबल, कहते हैं क्लब, टेबल का यहाँ पे मतलब है क्लब यानी किसी भी शराब खाने में ना तुम्हें मैं शराब पिलाऊंगा फॉर नथिंग, मतलब फ्री में, पैसों के बगैर। दैट्स वन ऑफ माई कंज्यूरिंग वर्क्स, ये मेरे जादू के कई सारे कामों में से एक काम है, मतलब मैं ये काम पहले करूंगा। राल्फ कहता है आवर मास्टर पर्सन सेज दैट्स नथिंग, पर्सन का मतलब होता है पादरी, मतलब फॉस्टस की बात करता है। राल्फ कहता है कि हमारा जो मास्टर है ना फॉस्टस, उसके आगे तो ये काम कुछ भी नहीं है, मतलब ये जो तुम कह रहे हो ना कि तुम मुझे किसी शराब खाने में बिठा कर शराब पिलाओगे फ्री की, तो कहता है ये एक मामूली सा काम है, तुम मुझे कोई और बड़ा बताओ। रॉबिन कहता है ट्रू राल्फ, ये तुमने ठीक कहा राल्फ, एंड मोर, और मैं इससे भी ज्यादा करूंगा राल्फ, मतलब इससे भी ज्यादा बड़ा जादू करूंगा मैं। If thou hast any mind to Nanspit, अच्छा Nanspit यहाँ पे समझना, मतलब 1935 में ना एक पैरोडी की गई थी हेलन ऑफ ट्रॉय की, मतलब जो ट्रोजन वार हुई थी ना जो हेलन के लिए हुई थी। हेलन ना एक औरत थी, एक लड़की थी जो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत जिसको ना कहा जाता था, तो उसके लिए ना 10 साल जंग हुई थी, यानी कि ट्रॉय एक जगह का नाम है जिसके लोगों ने ग्रीस में जाके हेलन को मतलब किडनैप किया था और वहाँ ले गए थे ट्रॉय में। तो जो ग्रीस के लोग थे ना वो हेलन को वापस लेने के लिए उन्होंने जंग की थी, उसी को कहा जाता है वार ऑफ ट्रॉय। तो उसकी पैरोडी एक की गई थी, मतलब उसमें ना एक नैनस्पिट दिखाई गई थी जिसको हेलन का रोल दिया गया था, मतलब वो बहुत खूबसूरत औरत थी। तो यहाँ पे रॉबिन जो है ना वही चीज़ का मतलब रेफरेंस देते हुए कह रहा है राल्फ को कि इफ़ दो हैस्ट एनी माइंड टू नैनस्पिट, मतलब क्या तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत को मतलब पाना नहीं चाहोगे, आवर किचन मेड यानी हमारे जो किचन की बावर्ची खाने की जो नौकरानी है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहोगे, देन टर्न हर यानी कि मैं, फिर कहता है कि मैं क्या करूँगा कि टर्न हर यानी उसे तुम्हारी तरफ गालिब कर दूंगा, उसे तुम्हारी तरफ मोड़ दूंगा, ये उसे तुम्हारे प्यार में पागल कर दूंगा। एंड विंड हर टू दाई ओन यूज़, और उसे इस तरह से तुम्हारे पास लाऊंगा कि तुम उसे इस्तेमाल कर सकोगे, एज ऑफन एज द विल्ड, मतलब जब भी तुम्हारी मर्जी होगी ना तुम उसके साथ रिलेशन बना सकोगे, एंड एट मिडनाइट, और रात के टाइम भी तुम मतलब रिलेशन बना सकोगे। राल्फ कहता है
ओ ब्रेव रॉबिन मतलब ओ बहादुर रॉबिन, शैल आई हैव नैनस्पिट मतलब क्या जो नैनस्पिट है मतलब नैनस्पिट जो है वो क्या मेरी हो जाएगी, एंड टू माइन ओन यूज़ और क्या मैं उसे अपने यूज़ के लिए उसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, ऑन दैट कंडीशन आई विल फीड द डेविल विद हॉर्स ब्रीड एज लॉन्ग एज ही लिव्स ऑफ फ्री कॉस्ट। कहता है अगर तुम ऐसा कर दो ना तो मैं तुम्हारे तो मैं क्या करूँगा कि तुम्हारे शैतान को विद हॉर्स ब्रीड जो घोड़ों को खिलाने वाली जो खुराक होती है ना वो दूंगा। कब तक दूंगा? एज लॉन्ग एज ही लिव, जब तक वो जिंदा रहेगा शैतान, और फ्री कॉस्ट और वो भी बिना पैसों के। तो रॉबिन कहता है कि नो मोर स्वीट राल्फ, प्यारे राल्फ अब बंद करो मतलब ये बातें छोड़ दो, लेट्स गो एंड मेक क्लीन आवर बूट्स, और जो जूते हैं ना जो हमारे जुम्मे हैं कि उनको साफ़ करना है वो वाले जूते हम जाके साफ करते हैं, विच लाई फाउल अपॉन आवर हैंड्स जो कि हमारे हाथों में फाउल का मतलब होता है गंदा, जो कि हमारे हाथों में गंदे पड़े हुए हैं, यानी कि जिसका काम हमें दिया गया ना जो जूतों वाला काम हमें साफ़ करने के लिए दिया गया है चलो जाके पहले अब वो कर लेते हैं, एंड और देन टू आर कंज्यूरिंग द डेविल्स नेम, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि शैतान के नाम पर जादू करेंगे। और यहाँ पर एक्ट थ्री का सीन टू भी एंड हो जाता है। उसके बाद शुरू होता है एक्ट थ्री का सीन थ्री, जिसमें हम देखते हैं कि इंटर रॉबिन एंड राल्फ विद अ सिल्वर गॉबलेट, उनके पास चांदी का ना एक जाम होता है, रॉबिन और राल्फ दोनों इंटर होते हैं। तो रॉबिन की लाइन है, रॉबिन कहता है कम राल्फ, राल्फ आ जाओ, डिड नॉट आई टेल दी वी वर फॉरएवर मेड बाय दिस डॉक्टर बुक डॉक्टर फॉस्टर्स बुक, मतलब वो रॉबिन जो है वो राल्फ को कहता है कि मैंने तुम्हें क्या नहीं बताया था कि हम ये जो बुक हमने चोरी की है मतलब डॉक्टर फॉस्टर्स की जो बुक है इससे हम क्या करेंगे कि फॉर एवर मेड का मतलब है कि हमेशा के लिए हम इससे फ़ायदा उठाएंगे, यानी कि प्रॉफिट इससे कमाएंगे। तो फिर कहता है एके सिग्नम का मतलब है ये वाला जो निशान, मतलब उसको ना एक सिंबल दिखा के वो कहता है कि ये जो निशान है ना, हेयर्स अ सिंपल परचेज फॉर हॉर्स कीपर्स, मतलब जो घोड़े वाले लोग होते हैं जिनके पास घोड़े होते हैं ये निशान उनके पास होता है, और इस निशान की मदद से हम क्या करेंगे कि हम परचेज कर सकते हैं मतलब घोड़ों के लिए कुछ भी खरीद सकते हैं। आवर हॉर्सेज शैल ईट नो हे एज लॉन्ग एज दिस लॉस, मतलब जब तक ये निशान हमारे पास है ना हम कुछ भी खरीद सकते हैं, और तब तक हमारे जो घोड़े हैं ना शैल ईट नो हे कहते हैं घास फूस जो सूखी घास फूस होती है। तो कहता है जब तक ये निशान हमारे पास है ना हमारे घोड़े जो है ना वो अच्छी चीज़ खाएंगे ना कि ये घास फूस। राल्फ कहता है बट रॉबिन मतलब रॉबिन हियर कम्स द विंटर, देखो विंटर अच्छा विंटनर ना यहाँ पे शराब बेचने वाला है, मतलब राल्फ रॉबिन को कहता है कि रॉबिन वो देखो शराब बेचने वाला आ रहा है। रॉबिन कहता है श मतलब जैसे हम एक दूसरे को कहते हैं ना श चुप हो जाओ, तो वो वाला यहाँ पे हर्ष है। रॉबिन कहता है आई गर्ल हिम सुपर नेचुरली, गर्ल का मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना, सुपर नेचुरली यानी कि जादू से, कहता है मैं इसको जादू से ना पागल बनाता हूँ। इंटर विंटनर तो वो कहता है, तो रॉबिन ना क्या कहता है ड्रायर आई होप ऑल इज पेड, मतलब उससे एक जाम पी लेते हैं वो, और उसके बाद वो उसको कहता है ड्रायर, यार ये शराब बेचने वाले को कह रहा है, कहता है ड्रायर ऐ शराब बेचने वाले या जाम पिलाने वाले आई होप ऑल इज पेड, मुझे उम्मीद है मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे सारे पैसे दे दिए हैं, गॉड बी विद यू, मतलब उससे शराब ले ली शराब का जाम पी लिया लेकिन पैसे नहीं दिए। तो कहता है आई होप ऑल इज पेड, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे सारे पैसे दे दिए हैं, गॉड बी विद यू, खुदा तुम्हारा हमियो नासिर हो। कम राल्फ, फिर राल्फ को इशारा करते हुए कहता है कि राल्फ आज अब चलते हैं हम। अच्छा विंटनर कहता है सॉफ्ट रुको सर जनाब अ वर्ड विद यू, आपसे एक बात करनी है, आई मस्ट येट हैव अ गॉबलेट पेड फ्रॉम यू, मतलब कहता है मुझे जहाँ तक लगता है कि आपने मतलब वो जाम पिया है ना, जाम वाला जो प्याला है जो बर्तन है वो अभी भी आपके पास है, एरे यू गो इससे पहले आप जाएं वो मुझे दे दें। रॉबिन कहता है आई अ गॉबलेट राल्फ, मतलब राल्फ को इशारा करता है क्या मेरे पास कोई गॉबलेट है, मतलब कोई जाम है मेरे पास, कोई प्याला है मेरे पास, आई अ गॉबलेट, फिर से हैरान होकर कहता है कि मेरे पास कौन सा जाम का प्याला है। आई स्कॉन यू यानी कि तुम बदमाश हो, एंड यू आर बट आ एंड सी ए एंड सी, अच्छा ये जो ए एंड सी है ना इसका यहाँ पे मतलब ये है कि इस यहाँ पे ना वो उसको गालियाँ दे रहा है कि तुम ना बहुत घटिया हो कमीने हो, मैं मतलब ये आगे सारी गालियाँ उसे दे रहा है तो उसको इसलिए ए एंड सी लिखा हुआ है। फिर कहता है आई अ गॉबलेट, फिर से कहता है मेरे पास कौन सा प्याला आ गया, सर्च मी देख लो तलाश कर लो अगर मिलता है तो ले लो। विटनर कहता है आई मीन सो, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ सर जनाब विद योर फेवर, मतलब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी यही चाहूँगा कि मैं आपकी तलाशी लूँ।
सर्च इज रॉबिन, रॉबिन की वो तलाशी लेता है। रॉबिन कहता है हाउ से यू नाउ, अब तुम क्या कहते हो, मतलब नहीं मिला ना, अब बताओ क्या कहते हो। विटनर कहता है आई मस्ट से समवट टू योर फेलो यू सर, मतलब अब राल्फ की तरह इशारा करते हुए कहता है रॉबिन को, राल्फ की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि आपका जो साथी है राल्फ, अब मैं उसकी तलाशी लेना चाहूँगा। यू सर, ये जो यू सर वाली लाइन है ना, ये उसने राल्फ को कही है कि जनाब आपकी मैं तलाशी लेना चाहूँगा। राल्फ आगे से कहता है मी सर, मतलब क्या मेरी बात कर रहे हैं, मैं हूँ। सर्च योर फील्ड, कहता है चलो अपनी मतलब ख्वाहिश पूरी कर लो, तलाशी ले लो। विटनर सर्चेज हिम, तो वो शराब बेचने वाला उसकी भी तलाशी लेता है। नाउ सर, लेकिन उससे कुछ नहीं मिलता। फिर वो राल्फ कहता है नाउ सर, जनाब अब मुझे बताइए, यू मे बी अशेम्ड टू बर्डन ऑनेस्ट मैन विद अ मैटर ऑफ ट्रूथ, यानी कि एक अच्छे खासे इज्जतदार आदमी पर इल्ज़ाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई, ये मतलब है इस लाइन का। तो विटनर कहता है वेल ठीक है, टोन ऑफ यू हैथ दिस गॉबलेट अबाउट यू, मतलब इस लाइन का मतलब है, विटनर कहता है कि जो गॉबलेट है ना, जो जाम का प्याला है, वो तो तुम दोनों में से एक के पास ही है। रॉबिन कहता है यू लाए, तुम झूठ बोल रहे हो, ड्रायर शराब बेचने वाले तुम झूठ बोल रहे हो। टिस अफेयर मी असाइड, ये वाली जो लाइन है ना टिस अफेयर मी, इसका मतलब है कि वो जो जाम का प्याला है ना वो मेरे सामने पड़ा हुआ है, और ये वाली बात रॉबिन अपने आप से करता है। मतलब उसको पहले वो कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन फिर अपने आप से ही कहता है, कहता वो तो मेरे सामने पड़ा हुआ है लेकिन इसको नहीं पता। फिर आगे कहता है सिरा, सिरा जो टर्म है ना ये यूज़ की जाती है किसी को बुरा भला जब कहना हो, मतलब किसी को अपने से नीचा जब कोई समझता है ना, तो नौकर मतलब किसी को समझता है, तो तब ये कहता है सिरा। तो कहता है सिरा यू, मतलब कमीने तुम, I'll teach you to impeach honest man. Impeach का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना। कहता है तुमने एक ईमानदार आदमी पर इल्ज़ाम लगाया है, तो अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। Stand by, वहीं खड़े हो जाओ। I'll score you for a goblet. कहता है मैं तुम्हें एक goblet के बदले शराब दे दूंगा। Stand aside, you had best. यानी कि तुम पीछे ही रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। I charge you in the name of Beelzebub. मैं Beelzebub के नाम पे तुम्हें हुक्म देता हूँ। Look to the goblet. Goblet की तरफ देखो Ralph. ये वाली जो लास्ट वाली लाइन है ना, लुक टू द गॉबलेट राल्फ, ये वाली वो राल्फ को कहता है। कहता है जादू करने लगता है ना, तो जादू करने से पहले वो राल्फ कहता है राल्फ गॉबलेट को ज़रा देखना, मतलब उस जाम के प्याले को ज़रा देखना। तो जो विंटनर होता है ना वो कहता है व्हाट मीन यू सर, सिरा मतलब ये जो आपने अभी भी बातें की हैं क्या मतलब है इसका, मतलब ये वो पूछ रहा है कि तुम इससे तुम कहना क्या चाहते हो, ये वो कह रहा है। रॉबिन कहता है आई टेल यू व्हाट आई मीन, मैं बताता हूँ बहुत जल्द तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। रीड्स फ्रॉम अ बुक, बुक से कोई ये लाइंस पढ़ता है, ये वो लाइंस है सेक्टोबुलरम पेरिप्रस्टिकॉन, ये वो लाइन है और इसका मतलब नहीं लिखा है यहाँ पे। नहीं, फिर कहता है नहीं नहीं आई टिकल यू, मैं तो तुम्हें कहता है उलझाऊंगा। विंटनर शराब बेचने वाले, लुक टू द गॉबलेट, गॉबलेट की तरफ देखो राल्फ, फिर से राल्फ को कहता है, और ये वाली बात उस शराब बेचने वाले को नहीं सुनाई देती। जब यहाँ पे लिखा होता है ना असाइड, असाइड का मतलब होता है वो बात अपने आप से कर रहा है, मतलब सिर्फ उसको सुनाई दे रही है और किसी को सुनाई नहीं दे रही। तो वो राल्फ को कह रहा है कि राल्फ जरा उसकी तरफ देखना, गॉबलेट की तरफ। तो फिर से वो कुछ पढ़ता है पॉलीप्रोगमस बेल्सिबोरम्स फ्रेमेंटो पेकोस्टिपोस टॉस्टू मेफिस्टोफिलिस, मतलब मेफिस्टोफिलिस को बुलाने के लिए कुछ लाइंस हैं, इनका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। तो इंटर मेफिस्टोफिलिस, मेफिस्टोफिलिस वहाँ पर आता है, सेट्स स्क्विब्स, स्क्विब्स कहते हैं पटाखे, पटाखे एट देयर बैग्स, मतलब उनके कमर के ऊपर पटाखे बांध देता है एंड देन एग्जिट, और फिर वहाँ से चला जाता है। तो जब वो पटाखे फटते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि देयर रन अबाउट, रॉबिन और राल्फ भागने लग जाते हैं। तो विंटनर कहता है ओ नोमिन डोमिनी, मतलब शराब बेचने वाले को यहाँ पे पता चल जाता है कि ये जो प्याला है ना ये तुम लोगों के पास ही था। तो वो उनको कहता है कि ओ नोमिनी डोमिनी, नोमिनी डोमिनी का मतलब है कि ये तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया, यानी कि मेरा ये प्याला छुपा कर तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, बुरा काम किया है। व्हाट मीन्स दो रॉबिन, मतलब तुम क्या कह रहे थे रॉबिन, दो हैस्ट नो गॉबलेट, मतलब रॉबिन से फिर पूछता है, रॉबिन थोड़ी देर पहले तुम क्या कह रहे थे कि तुम्हारे पास मतलब जाम का प्याला नहीं है, अब बताओ ये कहाँ से आया जाम का प्याला। राल्फ कहता है पकेटम पकेटोरम, इस लाइन का मतलब है कि हम पर रहम करो, हेयर्स दाई गॉबलेट, ये लो तुम्हारा जाम का प्याला, ले लो इसे। गुड विटनर, शराब बेचने वाले, प्यारे शराब बेचने वाले, ये लो अपना प्याला ले लो। गिव्स द गॉबलेट टू विटनर हु एग्जिट, अच्छा शराब बेचने वाले को प्याला दे दिया, वो वहां से चला गया। उसके बाद रॉबिन कहता है सैरी कॉडियो प्रोनोबिस व्हाट शुड आई डू, अच्छा ये जो लाइंस है ना इनका मतलब भी कोई नहीं है। फिर कहता है व्हाट शुड आई डू, अब हम क्या करें। गुड डेविल, प्यारे शैतान, फॉरगिव मी नाउ, हमें माफ़ कर दो, एंड आई विल नेवर रॉब दाई लाइब्रेरी मोर, मतलब हमें इस बार माफ़ कर दो, अगली बार हम तुम्हारी लाइब्रेरी से
किताब चुराने की गलती नहीं करेंगे। तो री इंटर मेफिस्टोफेलिस, मेफिस्टोफेलिस आता है, मेफिस्टोफेलिस कहता है मोनाकोफेल, यानी कि मैं जहन्नुम का हुक्मरान हूँ, बादशाह हूँ, अंडर हूज ब्लैक सर्वेंट, जिसकी अंधेरे पर जो हुकूमत है ना, उस हुकूमत के अंदर ग्रेट पोटेंटेट्स, पोटेंटेट्स यानी कि बड़े बड़े बादशाह डू नील, घुटनों पर झुके रहते हैं विद ऑफुल फियर, डर के मारे। कहता है मैं वो जहन्नुम का बादशाह हूँ जिसकी अंधेरे पर हुकूमत में बड़े बड़े बादशाह जो हैं वो डर के मारे घुटनों पर झुके रहते हैं। अपॉन हूज आल्टर्स थाउजेंड सोल्स डू लाई, जिसके कदमों में, आल्टर का मतलब होता है कदम या दरगाह, बारगाह, तो कहता है जिसकी बारगाह में हजारों रूहें पड़ी रहती हैं, मतलब मुझसे मदद मांगने के लिए वहाँ पर आती रहती हैं। हाउ एम आई वेक्स्ड विद दीज विलन्स चार्म्स, वेक्स्ट का मतलब है परेशान होना, तो कहता है ये जो दो कमीने हैं ना, इन्होंने अपने जादू से मुझे परेशान किया है। फ्रॉम कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल एक शहर का नाम है जो टर्की में, इस टाइम टर्की में है, तो कहता है मैं टर्की से यहाँ पर आया हूँ, एम आई हैदर कम, कहता है मुझे इतनी दूर से सफ़र करके यानी टर्की से यहाँ पर आना पड़ा, ओनली फॉर प्लेजर ऑफ दीज डैम्ड स्लेव्स, मतलब सिर्फ इन दो कमीनों को, इन कमीनों गुलामों को मुझे खुश करने के लिए इतनी दूर से यहाँ पर आना पड़ा। रॉबिन कहता है हाउ फ्रॉम कॉन्स्टेंटिनोपल, मतलब इतनी दूर से तुम आए हो, यू हैव हैड अ ग्रेट जर्नी, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा सफ़र बनता है। विल यू टेक सिक्स पेंस इन योर पर्स टू पे फॉर योर सपर एंड बी गोन, तो रॉबिन कहता है कि क्या तुम ये छः पेंस यानी कि ये करेंसी उसको दे रहा है, छः सिक्के दे रहा है कि ये ले लो और शाम का खाना खा लो और फिर यहाँ से चले जाओ, यानी कि हमें माफ़ कर दो, ये पैसे रिश्वत दे रहा होता है उसे। मेफिस्टोफेलिस कहता है वेल ठीक है विलन्स, बदमाशो, फॉर योर प्रिजम्पशन, यानी कि तुमने जो मेरी बेइज्जती की है ना, आई ट्रांसफॉर्म दी इंटू एन एप, अच्छा दी, यहाँ पे दी कौन है, रॉबिन, मतलब कहता है रॉबिन मैं तुम्हें एक बंदर में चेंज कर दूंगा, एंड दी इनटू अ डॉग, और राल्फ तुम्हें मैं एक कुत्ते में चेंज कर दूंगा, एंड सो बी गोन, और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा, और फिर वो एग्जिट हो जाता है। रॉबिन कहता है हाउ इनटू एन एप, क्या तुम मुझे एक बंदर में चेंज करोगे, दैट्स ब्रेव, ये तो बहुत शानदार है, आई हैव फाइन स्पोर्ट विद द बॉयज, मतलब कहता है जब मैं बंदर में चेंज हो जाऊंगा, तब्दील हो जाऊंगा, तो मैं लड़कों के साथ खेल पाऊंगा, मतलब उनके साथ मैं खेल पाऊंगा, आई गेट नट्स एंड एपल्स इनो, जब मैं बंदर बन जाऊंगा तो वो जो बच्चे होंगे वो मुझे क्या करेंगे, गेट नट्स यानी कि बादाम वगैरह देंगे और एपल्स और सेब वगैरह देंगे, इनन, इनन का मतलब होता है इनफ, यानी कि इतने देंगे कि मैं, मेरा पेट भर जाएगा। राल्फ कहता है एंड आई मस्ट बी अ डॉग, मतलब राल्फ को ये बात बुरी लगती है, कहता तुम बंदर बनोगे तो मैं डॉग क्यों बनूंगा, मतलब डॉग तो बुरी चीज है ना। रॉबिन कहता है आई हैव फेथ, यानी राल्फ को कहता है राल्फ मेरा ये यकीन है कि thy head will never be out of the pottage pot, pottage pot का मतलब है कि वो जो कुत्तों का एक बर्तन होता है ना जिसके अंदर उनको खाना दिया जाता है, दलिया वगैरह, तो कहता है मेरा ये यकीन है कि जब तुम डॉग बन जाओगे ना, तुम भी इंजॉय करोगे, किस तरह से इंजॉय करोगे कि तुम्हारा जो मुंह होगा ना वो तुम्हारे खाने वाले बर्तन से बाहर नहीं आएगा, मतलब तुम हर टाइम खाते रहोगे, तुम भी इंजॉय करोगे, और यहाँ पर ये सीन भी एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच।